भाई सुबह 5:45 बजे से निकले हैं और अभी टाइम लगभग हो रहा है 7:30 और 7:45 के बीच का टाइम है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है राजस्थान के अंदर, धूप निकली हुई है, पसीना भी आ रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, प्यास लग रही है। अभी तक हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया है, तो अभी पीछे हम थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था जहाँ पे रुके थे, और डिसाइड हुआ है कि आगे जो भी रेस्टोरेंट या छोटा मोटा होटल आएगा ना रोड के पास में, वहीं पे रुकेंगे और कुछ थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, क्योंकि भूख लग रही है। इसमें बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि ब्रेकफास्ट करके नहीं आया। मैंने तो सुबह सुबह एक ब्रेड और थोड़ा सा दूध लिया है, पर भाई आ रहा है मज़ा। ये जो मुझसे आगे निकले हुए हैं, कुछ लोग मुझसे आगे हैं, कुछ लोग मुझसे पीछे हैं। ऐसे रोड्स पर मेरे भाइयों थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। हालांकि ये हाईवे है, लेकिन यहाँ पे नील गाय और कई बार बकरी, भेड़े, इनके जो झुंड होते हैं ना, वो एकदम से क्रॉस करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं इसी रोड पर जा रहा था, अराउंड 100 की स्पीड थी, और भाई एक मारुति वाला लेफ्ट साइड से राइट की तरफ ऐसे काट के ले गया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि हाईवे है, इतना रफ चला रहा था। पर भाई आज संडे के दिन ना बहुत मज़ा आ रहा है इस मेटियोर के ऊपर। खुला आसमान है, खुला रोड है, बारिश आज शायद नहीं होगी, कल बारिश हुई है यहाँ पे, और ये मेरे से आगे स्क्रैम चल रही है। और ये देखिए निकली है एक होंडा की अमेज, भाई सुबह सुबह बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे ग्रुप के अंदर ना सबने कंप्लीट बाइक गियर जो होता है ना, मतलब जैकेट भी है और उनकी ट्राउज़र भी है और बाकी चीज़ें भी उन्होंने ले रखी हैं। मैं भाई अभी थोड़े पैसे को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं भी ये गियर लेना चाहता हूँ, बिकॉज़ ऐसे हाईवेज पर जब आप चलते हो ना, तो सेफ्टी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेफ्टी इज़ दी पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। ये देखिए आ रहा है ना मज़ा, इसमें और मज़ा आता है अगर आपने पूरा गियर पहन रखा होता ना, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में राइड कर सकते हो, क्योंकि जो आप गियर पहनते हो ना, तो अगर आप स्किड करके जाते हो, अगर आपको घसीट लगती है, तो दोस्तों उसमें आपको चोट नहीं लगती, आपको कहीं से छिलते नहीं हो। लेकिन अगर आप कहीं बम करके बैंग करते हो ट्रक के अंदर या किसी और चीज़ में हिट करते हो, तो कोई गारंटी नहीं है। हालांकि मेरा हेलमेट बहुत मस्त है, ये मैंने हेलमेट लिया था कोई मैंने आपको बताया था ना दोस्तों। ये भाई ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे रुकेंगे खाने के लिए। हाँ यहाँ पे डिसाइड किया है हमारे नेविगेटर ने कि अब सब रुक करके यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। और मेरे भाई, और राजस्थान में ना कचौड़ी बहुत फेमस है, कचौड़ी और चाय, प्याज की कचौड़ी मिलती है, भगवान करे यहाँ मिल जाए, खाऊंगा और फिर निकलूँगा। तो पहले सबको बाइक लगाने देता हूँ मैं, फिर लास्ट में लगाऊंगा। यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है। हमारे राइडर्स जो ना बाइक को इतने डिसिप्लिन से पार्क करते हैं कि एक लाइन में जब लगती हैं तो बड़ी सुंदर लगती है। देखिए कितने सारे राइडर्स हैं, ये सब जोशीले हैं, सब दीवाने हैं रॉयल एनफील्ड के, और मैक्सिमम इनके पास है हिमालयन स्क्रैम। और ये देखिए एक इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल भी है और सब। मैं दोस्तों यहाँ पर पार्क करूँगा। अरे भाई यहाँ तो कच्चा नीचे ज़मीन है, और ऐसे में इस बाइक को ना जो डबल स्टैंड है उसके ऊपर पार्क नहीं कर सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे पार्क कैसे करना है। भाई भारी बहुत है ये बाइक, नहीं इस पे तो नहीं हो पाएगी, मुझे साइड स्टैंड ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं साइड स्टैंड लगा देता हूँ, और ये कुछ मेरे राइडर दोस्त हैं, ये देखिए अब सभी जो है ना बिल्कुल भूख के मारे परेशान है, और सब अब यहाँ पे कुछ खाने के लिए जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग इसमें हैं जो डबल राइड करते हैं, उनके पीछे पिलन राइडर बैठता है, लेकिन मैं तो सिंगल ही राइड करता हूँ। और ये देखिए मेरी रॉयल एनफील्ड मिट्योर ब्लू कलर की टूरिंग सीट के साथ में, और मेरे साथ में एक डिक्की भी है साइड में जो लगी हुई है, आप देख रहे हैं, उसमें मैं वाटर बॉटल रखता हूँ और अपना कुछ खाने का सामान भी। दोस्तों चलो चलते हैं, कुछ अंदर खाते हैं। ये है भाई वो होटल जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, नाम है इसका झनकार। वो देखिए आपने ऊपर देख सकते हैं, ये झनकार होटल है, सामने की तरफ रेस्टोरेंट है। अभी अंदर जाके देखते हैं, और सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ रूम्स भी है जहाँ रह सकते हैं। तो एक बार वॉशरूम होकर के आता हूँ। और भाइयों हमने अभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं राइड करते हुए आपको बताऊंगा कि मैंने क्या खाया है। और ये हमारी देखो राइडर्स की बाइक्स, और वहाँ पे हमारा ग्रुप बातचीत कर रहा है चलने के लिए तैयार। तो चलो दोस्तों चलते हैं। भाई अभी मैंने खाई है राजस्थान की मशहूर कचौड़ी,
₹25 की कचौड़ी थी और ₹10 की चाय थी। खा करके भाई तृप्ति हो गई है, हालांकि पानी मैंने पिया नहीं है, बिकॉज पानी पीने से क्या होता है पेट फूल जाता है। ये देखो, और अब एक ऐसी एनर्जी आ गई ना भाई, सेक्सी वाली एनर्जी आ गई है इसको चला करके, बाइक को चला करके, और कचौड़ी खा ली है तो और मज़ा आ रहा है, और जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो और एनर्जी आ रही है। और ये देखिए आप, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है हमारे राइडर्स ने, बिकॉज अभी धूप थोड़ी सी हो रही है और टाइम भी 8 बजे से ऊपर का हो गया है और हमें टाइमली वहाँ पहुँचना है। तो अभी जो आगे हमको ट्रैवल करना है वो अराउंड 60 किलोमीटर यहाँ से करना है, क्योंकि हम खाटू श्याम जी के पास जा रहे हैं और वहाँ पर अपना माथा टेकेंगे। सभी आप मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी मैं वहाँ पर माथा टेकूँगा और खाटू श्याम जी से आप सभी के लिए दुआ मांगूँगा। तो भाइयों, आज के व्लॉग में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है स्मूथ राइड, क्योंकि यहाँ पे आज हाईवे जो है ना एकदम खुला हुआ है, संडे का दिन है, मज़ा आ रहा है। राइडर्स हमारे आगे एकदम से, ये देखिए, ये राइडर्स जब इकट्ठे होते हैं ना तो एक ऐसा ग्रुप बनता है कि आसपास जो कारें जा रही हैं वो सोच रही हैं कि यार ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। ये देखिए मेरे राइट साइड में जो राइडर चल रहे हैं स्क्रैम के ऊपर, नई नवेली स्क्रैम है इनकी, क्या मस्त भाई, ये बाइक बहुत मस्त है। ये मिट्योर तो खैर मेरी मस्त है, ये बाइक भी बहुत मस्त है। ये देखिए हमारे राइडर्स किस तरीके से शान से रॉयल एनफील्ड को लेकर के जा रहे हैं, वाह भाई। अब अगला टारगेट मेरा यही है कि मुझे जो गियर है ना वो लेना। ये देखो, ये निकला है हमारा राइडर, वाह भाई वाह, ऑल द बेस्ट, ड्राइव सेफ भाइयों। आप भी सभी लोग ड्राइव सेफ, हेलमेट लगाइए, गियर पहनिए, ग्लव्स पहनिए और इसमें पैसे को इन्वेस्ट करिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, बिकॉज योर हेल्थ एंड योर सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक भाई मैं किसी भी सोलो राइड पर नहीं गया हूँ, मैं हमेशा अपने राइडर्स ग्रुप के साथ ही गया हूँ, और मैं कहूँगा कि एक नोवाइस हूँ मैं जो कि राइडिंग के अंदर आया है, लेकिन मज़ा इसमें फुल आता है। मैं मन करता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, मैंने डीकैथलन से बहुत सारी चीज़ें भी खरीद ली हैं राइडिंग से रिलेटेड, और अगर सोलो में ट्रैवल करता हूँ तो एक टेंट भी लिया है और कुछ वाटर बॉटल्स और खाना बनाने का सामान भी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे टाइम लगेगा सोलो राइड करने में, उसमें सर्वाइवल जो है दोस्तों वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आप अगर 3-4 दिन का प्लान कर रहे हैं तो आपको रूट भी पता होना चाहिए, वहाँ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, डेमोग्राफी पता होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं अपने राइडर्स ग्रुप के साथ ट्रैवल करता हूँ तो इसमें ये सब चीज़ें पहले ही प्लान करके रखते हैं कि कहाँ जाना है, कौन सा रूट फॉलो करना है, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ हॉल्ट लेंगे, और जनरली हम मतलब अगर मॉर्निंग में निकलते हैं दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तो बाय आफ्टरनून से 3 o'clock या इवनिंग 5 o'clock तक हम दोस्तों वापस आ जाते हैं। ये देखिए क्या मज़ा आ रहा है। तो ये जो राइड है ना, इसमें सिर्फ चलाने में मज़ा नहीं आता है, राइड के साथ साथ जो आपको थ्रिल मिलता है, जो आपको एक मैं बोलूँगा एक किक मिलती है दोस्तों चलाने के बाद में, इस स्पीड के साथ में स्मूथ रोड के ऊपर, और उसके बाद जो आपकी राइडर के ग्रुप में आपके राइडर्स होते हैं, इनके डिफरेंट फील्ड से होते हैं, ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बताते हैं अपने बारे में। मैक्सिमम हमारे जैसे ग्रुप के अंदर एम्प्लॉयड हैं, अपने बिजनेस करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, सो दे ऑल आर मतलब इनटू समथिंग एंड इट इज़ अ पैशन फॉर देम, जो राइडिंग है उनके लिए एक पैशन है, और मेरे लिए भी दोस्तों अब ये पैशन बन गया है। और मेरा मतलब ये मकसद है कि अब मैं बजाय कि वर्ल्ड में घूमने के, इंडिया के अंदर ही हर जगह घूमूँ। ये देखिए मेरे लेफ्ट में जो डेजर्ट स्टॉर्म चल रही है ना, मस्त है भाई बाइक के, और भाई का गियर भी देखो और भाई का हेलमेट भी देखो, सब फर्स्ट क्लास, क्लासी है, क्लासिक की तरह मस्त मज़ा आ रहा है। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वो देखिए लेफ्ट में कच्चे रोड के ऊपर जो चल रहा है हमारा एक ब्लॉगर कॉन्टिनेंटल के ऊपर, भाई 650 cc तो जान डाल देती है, रॉकेट की तरह चलती है ये, और मेरा बहुत मन है क्योंकि सुपर मेटियोर और इसके बारे में बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि पता नहीं कब लॉन्च होने वाली है। तो जब भी ये लॉन्च होगी ना तो भाई मैं इसको सबसे पहले बुक करने वाला हूँ। तो भाई ये है व्लॉग अभी तक का, और आगे आ गया है टोल, तो मैं देता हूँ टोल और आप वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। और अगर दोस्तों आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, क्या आप कभी राजस्थान में मेरे साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, और ट्रैवल करना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे मैसेज करें, और
दोस्तों मुझे आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कमेंट एंड मुझे दोस्तों इसी तरीके से अगर आप थम्स अप देंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।